शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ, जिन्हें आप लोग यकीनन पसंद करेंगे और उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे भी। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं जैन अली अटक से। जैन कहते हैं, आज आपके साथ एक ऐसी खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी अम्मी ने मुझे सुनाई है। अम्मी कहती हैं कि जब हम लोग छोटे होते थे तो वो लोग अटक के ही एक गांव में रहते थे, तो अम्मी ने एक दफ़ा नाना अबू से ये कहा कि कल जब आप काम से वापस आएंगे तो आपने हमारे लिए मछली लेकर आनी है। नाना अबू ने ये कहा कि ठीक है, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आप लोगों के लिए मछली लेकर आऊँगा। नाना अबू गांव के जिस रास्ते से गुज़र कर आते थे उस रास्ते में एक कुआँ आता था, जिस कुएँ के बारे में ये मशहूर था कि वो कुआँ आसेब ज़दा था। उस कुएँ पर जिन्नात का बसेरा था और वो जिन्नात शाम होते ही अपना आप जाहिर करते थे। बहुत से लोगों को इस बात का पता था कि शाम के टाइम उस कुएँ के पास से नहीं गुजरना, लेकिन इसके बावजूद अब रास्ता वो था तो नाना अबू ने मार्केट से मछली ली और वहाँ से पैदल आ रहे थे। जैसे कुएँ के पास से गुजरने लगे तो उनको इस तरह से महसूस हुआ जैसे मछली वाले शापर में कोई सरसराहट सी हो रही है। उन्होंने इतना ख़ास गौर नहीं किया। घर आए तो जब घर आके घर वालों को बैग दिया कि मैं मछली ले आया हूँ तो आप देख लें। जैसे उन लोगों ने देखा वो जो बैग था वो बहुत ही ज़्यादा बहुत हल्का फुल्का सा था। उन्हें यकीन ही नहीं आया कि ये कैसे ये मछली लेकर आए और इसका तो कोई वेट ही नहीं है। जैसे ही नानी अम्मा ने खोल कर देखा तो उसमें मछली नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उसका स्केल्टन था, उसका कांटा ही था बस। उसकी जो स्किन थी, उसका जो मीट था, वो सब गायब था। तो अम्मी नाना अबू से नाराज़ होने लगी कि आपने मजाक किया, आप मछली लेकर नहीं आए हैं और ये तो सिर्फ कांटा है। जिस पर नाना अबू ने कहा कि नहीं, मैं मछली लेकर आया था, लेकिन जैसे ही मैं उस कुएँ के पास से गुजर रहा था तो मुझे अजीब सी सरसराहट महसूस होने लग गई। शायद ये कुएँ वाले जन्नात का ही काम था। अगले दिन नाना अबू फिर काम पर गए। वापसी पर जब आ रहे थे तो उनके पास आज फिर मछली थी। रास्ता चूंकि वही था, जो दूसरा रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता था, तो जैसे ही नाना अबू कुएँ के पास से गुजरने लगे, अभी रात नहीं ढली थी, उनको कुएँ के पास से आवाज़ आने लगी, फिरोज़ खान हमारे लिए मछली नहीं लेकर आए आज तुम। जैसे ही नाना अबू ने ये बात सुनी, अपने इर्द गिर्द देखा, उनको कोई आवाज़ नहीं आई। तभी नाना कोई नज़र नहीं आया लेकिन वो आवाज़ आ रही थी कुएँ के पास से। नाना अबू ने वहीं से भागना शुरू कर दिया। जब घर पहुँचे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। उन्होंने घर आकर ये बात सबको बताई कि इस तरह से मुझे बाकायदा उन जिन्नात ने आवाज़ें देकर मुखातिब किया है, वो बाकायदा बोले हैं और मुझे बुलाकर उन्होंने ये बात की है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ से भाग पड़ा और मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा। कल वाली मछली भी इन्हीं जिन्नात ने वो मछली मेरे से छीन ली थी। उसके बाद नानी अम्मा ने नाना अबू से यही कहा कि अब कुछ भी हो जाए आपने दोबारा उस रास्ते से नहीं गुजरना, क्योंकि जैसे आप वहाँ से भागकर आए हैं तो अल्लाह ना करे वो जिन्नात कहीं आपको नुकसान ना पहुँचा दे। फिर उसके बाद नाना अबू ने वो कुएँ वाला रास्ता छोड़ दिया और वो मेन रास्ते से आते थे। जैन कहते हैं कि हम लोगों ने भी वो कुआँ देखा है, वो कुआँ आज भी उस गाँव में मौजूद है और उस कुएँ को लेकर बहुत से लोगों के दिलों में बहुत खौफ है। ये बहुत पुराना और कदीम कुआँ है और वो एक आसेब ज़दा कुआँ है। ये एक स्टोरी थी जो जैन ने शेयर की। बहुत शुक्रिया जैन आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सीमा शेयर कर रही है इंडिया से। सीमा कहती हैं कि आज आपके साथ पांच दोस्तों की कहानी शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें तीन लड़के और दो लड़कियाँ थीं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम प्रिया था, प्रिया की बर्थडे थी तो उसने अपने घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। जैसे उसके घर पर उसके सब फ्रेंड्स आए, गेस्ट आए, उन सब ने गेट टुगेदर किया, पार्टी होगी, तो उसके बाद उसके फ्रेंड्स ये कहने लगे कि आज हम लोग आउटिंग के लिए कहाँ पर जाएं। जिस पर प्रिया ने ये कहा कि आउटिंग तो हम लोग करते ही रहते हैं, क्यों ना आज हम कुछ नया करते हैं। सब ने पूछा कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जो नया भी हो और एक्साइटिंग भी हो। जिस पर उसने ये कहा कि हम लोगों के घर में मेरे फादर के पास एक बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर कैंडल्स रख कर अगर हम किसी भी
स्पिरिट को बुलाएं तो वो स्पिरिट आ जाती है, लेकिन अगर उस जगह पर कुछ ऐसी वैसी एक्टिविटी हो कि आप लोगों को पता हो कि वहाँ पर स्पिरिट्स हो सकती हैं तो हमें वहाँ पर ये काम करना चाहिए। तभी उनमें से एक दोस्त ने ये कहा कि यहीं पास पर थोड़ी ही दूर एक घर है और वो घर आज से ज़्यादा है, वो घर बंद है, वहाँ पर भूत प्रेत का साया है। कहा यह जाता है कि काफ़ी अरसा पहले उस घर में एक शख्स ने अपने बीवी बच्चों को मार दिया था और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर दी थी। उसके बाद वो जगह ना तो कभी रेंट आउट हुई और ना ही कभी सेल आउट हुई, ना ही उस बंद घर को कभी किसी ने खोला। उस घर में से बहुत ज़्यादा भयानक चीखने की आवाज़ें गूंजती हैं जैसे ही रात होती है। उस घर के पास से रात को तो डर के मारे कोई गुजरता नहीं, दिन के टाइम भी अगर कोई वहाँ से गुजरे तो वहाँ पर वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं, कभी ना कभी कोई ऐसी आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। उन सारे दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग ये बोर्ड ले जाएंगे उस घर में और उस घर में जाकर हम इसके ऊपर उस घर की स्पिरिट्स को बुलाएंगे और हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में ये बात ट्रू है कि इस बोर्ड के ज़रिए हम लोग स्पिरिट्स को बुला सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो सारे दोस्त उस बोर्ड को लेकर उस घर की तरफ जाने लगे। जब उस घर के पास पहुँचे वो घर बहुत ही ज़्यादा सुनसान और वीरान था, उसके दरों दीवार से भी वैश्य टपक रही थी, जिसको देखकर इस बात का एहसास हो रहा था कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं रह सकता और यहाँ पर ज़मानों से कोई इंसान शायद आया भी ना हो। दरख्तों से घिरा हुआ वो घर था। अब उसका जो मेन डोर था वो तो लॉक था और उसकी की किसी के पास नहीं थी। इन लोगों ने कहा कि हम लोग बैक साइड पर जाते हैं और वहाँ से इस घर में दीवार को फ्लांग कर अंदर चले जाएंगे। अगर हम लोग मेन रोड से जाएंगे, मेन साइड से जाएंगे तो हो सकता है हमें कोई देख ले तो हमें पकड़ ना ले। इन लोगों ने ऐसा ही किया, ये लोग बैक साइड पर गए, वहाँ पर उस घर की जो पिछली दीवार थी उसको फलांग कर उसको कूद कर उस घर के अंदर ये लोग आ गए। जैसे उस घर के अंदर आए अभी हंसी मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ, जैसे एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, डरा रहे हैं। अब वहाँ पर जैसे इस घर में आए तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुरसरारियत थी, बहुत ज़्यादा खौफ था। इन लोगों ने उसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर बिल्कुल अभी वहाँ पर जो उनका जो सारा लॉन का हिस्सा था, जो फ्रंट एरिया था, वहाँ पर एक बरामदा सा था, वहाँ पर जाकर ये लोग बैठ गए, उसी बोर्ड के ऊपर कैंडल्स जलाईं और सबने हाथ पकड़ लिए। और जैसे ही कुछ पढ़कर प्रिया ने ये कहना शुरू किया कि अगर यहाँ पर कोई भी स्पिरिट है तो हम लोगों के करीब आए, हम लोगों से बात करें, अपनी मौजूदगी को जाहिर करें। एक दफ़ा कहा तो कुछ भी नहीं हुआ, सारे दोस्त एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर इसने इशारा किया कि अपनी आंखें बंद कर लो। थोड़ी ही देर के बाद उसने दोबारा यही वर्ड्स रिपीट किए कि अगर यहाँ पर कोई भी स्पिरिट है तो अपना आप जाहिर करें और हमसे कम्युनिकेट करें। उसी दम अजीबोगरीब आवाज़ें गूंजने लग गईं, इस तरह से महसूस होने लग गया जिस तरह से वहाँ पर बाकायदा जलजला आ गया, ज़मीन हिलने लग गई, दरख्त झूलने लग गए और बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लग गईं। वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने वहाँ पर बाकायदा चीखों पुकार सुना, यही नहीं बहुत ज़्यादा ड्रामने चेहरे वाली मखलूकात को भी देखा जो वहाँ उस घर में हम लोगों को कभी किसी कोने में तो कभी किसी कोने में दिखाई देने लगे। ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए, इन लोगों में अफरा तफरी मच गई। इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जो ड्रामने चेहरे वाली मखलूकात है उनके गले कटे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा ड्रामनी आवाज़ों में रो रही हैं, हमें बचा लो। अब ये जब ये आवाज़ें सुन रहे थे तो इन लोगों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। जब ये भाग रहे थे तो उस खौफ और डर में ये समझ नहीं आ रही थी कि बाहर का रास्ता कहाँ से लें। फिर एकदम से लोगों को ख्याल आया कि हम लोग तो बैक साइड से आए थे, फिर बैक साइड पर भागते हुए गए। जैसे ही वहाँ से बाहर निकले अब उनके साथ प्रिया नहीं थी। फिर इन लोगों को ये लगा कि प्रिया तो अंदर ही रह गई, कहीं वो जिन्नात या वो जो भी भूत प्रेत है उसको जाने नुकसान ना पहुँचा दे। फिर ये लोग इनमें से दो लड़के अंदर गए तो प्रिया वहाँ पर बेहोश पड़ी थी, बहुत मुश्किल के साथ जैसे कैसे करके उसको भी बाहर निकाला। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ये लोग उसको घर ले जाने के बजाय हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल लेकर गए तो उसको बहुत सब बुखार भी था। फिर उसके घर में इन्फॉर्म किया गया, उसको बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा था। फिर इन लोगों ने जब उसको घर लेकर आए, उसके घर वाले भी आ गए, घर वालों को सारी बात बताई, घर वालों ने बहुत ज़्यादा डांटा इन लोगों को कि हंसी मजाक में तुम लोग एक ऐसी जगह पर चले गए जिसके बारे में तुम लोग जानते थे कि वो जगह आज सेफ ज़्यादा है, वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, तुम लोगों को ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए था, ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। फिर उन लोगों ने अपने उनका जो रिलीजन था उसके मुताबिक उन लोगों ने
वहाँ पर किसी पंडित को बुलाया, कोई पूजा वगैरह करवाई, उन्होंने कोई पढ़ाई वगैरह किया कर, तो उस लड़की को जब होश आया तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो ये कह रही थी कि मुझे इतना मुझे याद है कि मुझे बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाले कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तो वो जो पंडित थे उनका ये कहना था कि वो जितने भी भूत प्रेत थे उन्होंने इसके जिस्म में जगह ले ली थी, वो इसके जिस्म में आ गए थे जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई। फिर उन लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया, बहुत ज़्यादा उसका इलाज हुआ, तब जाकर वो ठीक हुई। ये एक स्टोरी थी जो सीमा ने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अबू बकर शेयर कर रहे हैं। अबू बकर कहते हैं, मैं चक 86 जनूबी से हूँ और आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है। हम लोगों का जो गांव वाला घर था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर था, काफ़ी बड़े रकबे पे हम लोगों ने घर बनाया था। लेकिन घर का स्टाइल ऐसे था कि आधा हिस्सा हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर लिया था और आधा हिस्सा हम लोगों ने बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ था। उस पर काफ़ी ज़्यादा दरख्त और हम लोगों ने घर में पौधे और सब्ज़ियाँ वगैरह लगाई हुई थी। मेरे बड़े भाई की शादी होनी थी तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों के घर का वो जो पिछला हिस्सा है जहाँ पर हम लोगों ने वो दरख्त और सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं, हम उसको साफ़ करके वहाँ पर एक नया घर बनाएंगे जो मेरे बड़े भाई का होगा। हम लोगों ने ऐसा ही किया, हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दरख्त भी कटवा दिए, उसके बाद उस जगह को बिल्कुल साफ़ कर दिया। अब वो बिल्कुल एक प्लॉट सा बन गया और वहाँ पर हम लोगों ने घर बनवाना शुरू कर दिया। सर्दियों के दिन थे, हम लोगों ने वहाँ पर घर बनवाना शुरू किया। अब ऐसा हुआ कि जैसे ही वो घर स्टार्ट हुआ तो उस घर की जो पिछली दीवार थी जिस साइड से हम लोगों ने दरख्त काटे थे, वहाँ पर जब हम लोगों ने उस दीवार को तोड़ा, क्योंकि वो पुरानी दीवारें थी मज़बूत नहीं थी, तो हम लोगों ने बकायदा कुछ दीवारों को तोड़कर उनको नए सिरे से सारा हिस्सा हम लोगों ने बनाना था, क्योंकि वो जो दीवार थी वो काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ थी। उस दीवार को हम लोगों ने तोड़कर कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा बाहर हम लोगों ने अलग से छोड़ना था। वहाँ पर हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग एक और चीज़ बनाएंगे बाहर की तरफ। हम लोगों ने जब वो दीवार अंदर की तरफ बनवाना शुरू की तो वो जो दीवार थी, अब जितने वो मज़दूर बनाकर जाते थे, जब सुबह हम लोग जाकर देखते थे या मज़दूर दोबारा काम पर आते थे, वो दीवार गिरी हुई होती थी। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हर रोज़ इस दीवार को कौन गिरा देता है। डेली वो दीवार जितनी बनाकर जाते थे उतनी ही वो दीवार गिरी हुई होती थी, उसके साथ भी बकायदा आधी आधी दीवार दूसरी भी बनी हुई होती थी, उस दीवार को कुछ भी नहीं होता था, लेकिन वो जो दीवार थी वो दीवार टूटी हुई होती थी। फिर एक दफ़ा हम लोगों ने डिसाइड किया, अभी ये उस दीवार को टूटते हुए तीसरी बार थी, मैं और मेरा एक कज़न था मामू का बेटा, हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग आज घर की जो पिछली साइड वाला बरामदा है हम लोग वहाँ पर सोएंगे। हम लोगों ने कंबल वगैरह अपने बिस्तर पर लगाए कि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी रात हम लोग बैठे रहे, हम लोगों ने आग भी जलाई हुई थी। उस वक्त हमारे पास बाकी भी सब थे, कुछ हम लोगों के दोस्त भी आए हुए थे जो पिछले दरवाजे से हम लोग उनको भेज दिया करते थे, तो हम लोग बैठ कर बातें कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा रात होगी, उस वक्त वहाँ पर कोई हलचल नहीं थी। एक से दो दफ़ा मेरे कज़न को ये महसूस हुआ कि जैसे जो दीवार गिरती है उस दीवार की तरफ से जैसे किसी ने झांक कर देखा है। दो दफ़ा उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहाँ पर कोई सर नज़र आया बकायदा और किसी ने देखा है। मैंने उसे ये कहा कि नहीं तुम वहम कर रहे हो, चलो हम बाहर जाकर देखते हैं। हम लोगों के पास टॉर्च थी, हम लोगों ने टॉर्च ली, हम लोग बाहर जाकर देख कर आए। हम लोगों का अपना हिस्सा था, इलाका था, हम लोग जानते थे। उसकी बैक साइड पर इतने ज़्यादा घर नहीं थे, वो एक सड़क लगती थी जो काफ़ी ज़्यादा सुनसान और वीरान थी, और उसकी दूसरी तरफ भी बिल्कुल जैसे ये खेत खलिहान और दरख्तों का हिस्सा ही था। जब बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जैसे ही हम लोग बाहर टॉर्च से देखकर अपने उस घर के अंदर आने लगे, हम लोगों को लगा जैसे उस दीवार के पास हम लोगों के घर के अंदर की तरफ कोई खड़ा है, और बाकायदा आधा आधा उसका हिस्सा नज़र भी आ रहा था। ब्लैक कलर का उसका ड्रेस था। हमने वहीं से पूछना शुरू कर दिया कि कौन है वहाँ पर, कौन है जो रोज़ दीवार को गिराता है। हम लोगों ने उसको गुस्से से गालियाँ भी देना शुरू कर दी। अब जैसे ही हम लोग भागते हुए मैं अंदर की तरफ आया और मेरा कज़न उधर बाहर उसी दीवार के पास खड़ा हो गया, जैसे मैं अंदर भाग कर आया वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम लोगों ने सारा हिस्सा चेक किया, हम लोगों ने उन कमरों को चेक किया जो बैक साइड पर बने हुए थे, कहीं कोई भी नहीं था, किसी का नामो निशान भी नहीं था। ये कैसे पॉसिबल था कि अभी यहाँ पर कोई खड़ा था और वो गायब हो गया। हमें ये लगा कि कहीं हम लोगों का जो घर का बाकी हिस्सा है वहाँ पर ना कोई छुप गया हो,
वो हिस्सा जाकर सारा देखा, सब घर वाले सोए हुए थे, कमरों के दरवाजे बंद थे, बकायदा ऊपर छत पर जाकर देखा कहीं कुछ भी नज़र नहीं। जैसे ही हम लोग ऊपर से भागते हुए नीचे आए जिस जगह पर हम लोग सोए हुए थे, हमारे आने तक वो दीवार किसी ने फिर से गिरा दी। हम लोग उसको देख नहीं सके, बस हमें इतनी आवाज़ आई जैसे ईंटें नीचे गिरी हैं। ऊपर से झांक कर देखा, नज़र कोई भी नहीं आया। अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो रहा है। हम लोग तो सारी रात हम लोग जागते रहे, पहरा देते रहे कि हमें कोई नज़र आ जाए। वो दीवार हम लोगों के सामने टूटी हुई थी। जैसे ही हम लोग तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था, नींद आने लग गई हम लोगों को, काफ़ी देर के जागे हुए थे। मैं भी सो गया, मेरा कज़न भी सो गया। उस टूटी हुई दीवार के पास से हम लोगों को पायल छनकने की आवाज़ आने लग गई। मैंने भी सुनी, मेरे कज़न ने भी सुनी। जैसे ही हम लोगों की वो आँख खुली, हम लोगों को वहाँ पर नज़र कोई भी नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई पायल पहनकर उस प्लॉट में उस दीवार के इर्द गिर्द कोई चल फिर रहा है। हमें अक्सर गांव में होता है, लोग अपने जानवरों के गलों में ऐसी चीज़ें बांध देते हैं, कोई बैल या कोई ऐसी चीज़ के कहीं वो चल के आ जा रहे हो तो पता लग जाए। मेरा कज़न कहता है कि शायद किसी का जानवर इस साइड से गुजरा है, कोई गाय या भैंस ना गुजरी हो तो वो दीवार ना गिरा गई हो, क्योंकि आवाज़ तो पायल की थी। मैंने उसे ये कहा कि ये पायल की आवाज़ है, किसी गाय के उसकी आवाज़ नहीं है, बैल की जो उसके गले में डालते हैं। अभी हम लोग ये बात ही कर रहे थे तो हमें बकायदा गाय के बोलने की आवाज़ भी आई, हमने गाय के बोलने की आवाज़ सुनी। मेरे कज़न ने ये कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ से कोई जानवर गुजरा है, तो उसके साथ टकराने से ये दीवार गिर गई है, क्योंकि दीवार गीली थी। बकायदा इस साइड पर टेक भी लगाई होती थी, वो जैसे वो लकड़ी के ब्लॉक्स रख के वो टेक लगा कर जाते हैं कि कोई नई दीवार गिर ना जाए, और वो इतने वजनी ब्लॉक होते हैं कि उनको कोई एक इंसान हिला भी नहीं सकता ईजीली। हम लोगों ने जब गाय की आवाज़ सुनी, वो मलबा तो गिरा पड़ा था, हम लोगों ने फ़ौरन से टॉर्च ली, हम लोग भागे उस तरफ कि देखते हैं ये जानवर किसका है। अब हम लोग उस टूटी हुई दीवार के पास खड़े हैं, बाहर हमें सब कुछ नज़र आ रहा है, वो रोड भी नज़र आ रहा है, वो दरख्त भी नज़र आ रहे हैं, वो सारा हिस्सा नज़र आ रहा है। वहाँ पर किसी जानवर का नामो निशान नहीं था, जबकि गाय के बोलने की मुसलसल आवाज़ आ रही थी। अब हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए। जैसे हम लोग वापस पलटे तो जिस बरामदे में हम लोग सोए हुए थे वहाँ पर हमने सफ़ेद कलर की एक मखलूक देखी। वो मखलूक ऐसे थी, उसका सर बहुत बड़ा था जैसे गाय का सर होता है, टांगे भी ऐसी थी जैसे जानवर की होती हैं, लेकिन वो इस पोजीशन में खड़ी थी जैसे हम इंसान खड़े होते हैं। उसके अगले हाथ भी बिल्कुल जानवर की तरह ही थे, और उसके सर के सेंटर में एक सींग था। आंखें ऐसी थीं जैसे उसकी आंखें जल रही हैं, अंगारे निकल रहे हैं, और गर्दन वाली जगह के ऊपर बहुत बड़ा सुराख था, ये हमने अपनी आंखों से देखकर, कलर उसका बिल्कुल वाइट था। जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने शोर मचा दिया कि ये क्या चीज़ है। मेरे कज़न ने अल्लाह अकबर कहकर उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। वो मखलूक वहीं पर खड़ी खड़ी गायब हो गई। अब हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए, हम लोगों की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि उन चारपाइयों के पास भी जा सके। हम लोगों ने शोर मचा दिया, भागते हुए हम लोग अपने घर में गए तो शोर शराबा सुन के सब जाग गए, सबको बताई ये बात। हम लोगों की बहुत बुरी हालत थी, दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था कि पता नहीं हम लोगों ने क्या देख लिया। अबू भाई सब गए, उन लोगों ने फ़ौरन से लालटेन जलाई, वहाँ पर जाकर देखना चाह के देखते हैं वहाँ पर क्या है। अफरा तफरी में टॉर्च भी हम लोगों ने वहीं पर फेंक दी। उसके बाद जब वो लोग वहाँ पर आए तो हम लोगों की जो चारपाइयाँ थी वो उल्टी हुई पड़ी थी। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, डर के मारे उस तरफ गए ही नहीं। अब सारी रात हम लोगों ने बैठकर गुजारी, और सारी रात उस साइड से गाय के बोलने की आवाज़ आती रही। सुबह जब हुई तो फजर के बाद हम लोगों के इलाके में एक बुज़ुर्ग थे, पढ़ाई वगैरह किया करते थे, बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे, लोग उनसे दम करवाया करते थे। उनके पास गए, उनको सारी बात बताई जाकर। उनका ये कहना था कि वहाँ पर मुझे आकर देखना पड़ेगा, मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकता कि वो क्या मखलूक है। हम लोगों के घर आए, वो उनको वहाँ पर लेकर गए तो वहाँ पर उसके पाँव के निशान भी लगे हुए थे। वो चारपाइयाँ भी हमने नहीं उठाई, वो जैसे उल्टी थी बिस्तर समेत वो उल्टी ही रहीं। खौफ बहुत ज़्यादा बैठ गया था हम लोगों के दिल में। जैसे वहाँ पर आए, उस दीवार के पास गए, बिस्तर देखे, वो पाँव देखे, तो उनका ये कहना था कि जिस जगह पर आप लोग दीवार बना रहे हैं यहाँ से किसी चुड़ैल की गुजरगाह है, वो बाकायदा यहाँ से गुजरती है, वो बार बार दीवार को गिरा रही है कि यहाँ पर दीवार मत बनाएं, अगर यहाँ पर दीवार बनाएंगे तो आपको नुकसान पहुँचाएगी। आप लोगों ने इस जगह को कभी इस्तेमाल नहीं किया, आप लोगों ने दरख्त भी काट दिए, इस जगह को वीरान छोड़ दिया। तकरीबन 20-22 साल से वो जगह वीरान थी, उसका वहाँ पर मखलूक थी,
आज़ाद होती हैं, उनका बसेरा हो गया। हम लोगों ने एकदम से वो सारा सेटअप चेंज कर दिया, वो दरख्त कटवा दिए, दीवारें तोड़वा दी, नए सिरे से उस हिस्से को बनाने लगे। तो उसने अपना आप जाहिर किया। वो जो बुज़ुर्ग थे उनका ये कहना था कि इस रास्ते को छोड़कर आप इस घर के जो भी नक्शा आप बनवा रहे हैं या आप इसके ऑपोजिट साइड से शुरू करवा दें, कोशिश करें कि इस हिस्से को खाली छोड़ दें वरना वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। हम लोगों ने कहा कि ठीक है। अब हम लोग तो देख भी चुके थे, डर भी गए थे। हम लोगों ने वो सारा उसका सेटअप जो था वो दूसरी साइड से शुरू करवा दिया, क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ी जगह थी। उस साइड पर हम लोगों ने कमरे बनवा दिए, उस जगह को हम लोगों ने खाली छोड़ दिया। जैसे वो पहले बिल्कुल जो शुरू में जो जगह हमने तुड़वाई थी वो दोबारा से वैसे ही हम लोगों ने बनवा दी। घर बन गया, यहाँ तक कि मेरे भाई की शादी भी हो गई। उसके तकरीबन जब मेरे भाई की शादी हुई तो वहीं पर उनका सामान वगैरह भी आया, वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। जब हमने वहाँ पर वो दीवार का सेटअप ख़त्म किया था, बनवाना शुरू जो हम लोगों ने वहाँ पर छोड़ दिया था कि हम लोग उस तरफ नहीं बनाएंगे, फिर कोई दीवार नहीं टूटी, लेकिन वो जो मखलूक थी वो अपना आप जाहिर करने लगी। जाहिर इस तरह से करने लगी, नया घर बन गया, भाई जब वहाँ पर शिफ्ट हो गए अपनी फैमिली के साथ, वो लोग कहते थे कि रात के टाइम हमें कोई सोने नहीं देता। जब भी हम लोग रात को अपने कमरों में सोए होते हैं, हम लोगों के कमरों पर कोई दस्तक देता है, बाकायदा आकर दरवाज़ों को खटखटाता है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे बाहर कोई बोल रहा है। वो बोलने की आवाज़ 2 से 3 लोगों की होती है। हम लोग ये समझते हैं कि घर से कोई आया होगा, क्योंकि साथ साथ घर का ही हिस्सा था। घर से कोई आया होगा, घर से कोई बुला रहा होगा। जब दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो बाहर कोई भी नहीं होता। अब वो लोग भी डरने लग गए। अल्लाह ने उनको बेटा दिया, मेरे भाई को। वो जो बच्चा था, उस बच्चे को ऐसा लगता था कि जैसे वो एक मखसूस कोने में देख कर कभी हंसना शुरू कर देता था, कभी रोना शुरू कर देता था। जब वो 2.5-3 साल का हुआ तो बकायदा ऐसा लगता था कि वो किसी के साथ खेलता है। उसको मखसूस वो जो हम लोगों ने दीवार जिस दीवार की तरफ उसका गुजरगाह थी, उस बच्चे को बकायदा वहाँ पर रात के टाइम वो मखलूक उठा कर ले जाती थी। सोया हुआ बच्चा गायब होता था, जब जाकर देखते थे तो वो वहाँ पर दीवार के पास लेटा हुआ होता था। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए कि अब ये तो नई मुसीबत बन गई है, बच्चों तक पर वो चीज़ आ गई है। जिन दिनों में मेरे भाई का बेटा अल्लाह ने उनको दिया था, तो वो जो फर्स्ट 40 डेज होते हैं, उन दिनों में वहाँ पर बहुत अजीबोगरीब वाकयात हुए। बिल्ली बहुत ज़्यादा रोती थी, सफ़ेद कलर की एक बिल्ली आकर दीवार पर बैठ जाती थी और सारी रात रोती थी। बड़ी मुश्किल से उसको भगाते थे। बहुत डरावनी उस बिल्ली की आँखें थीं और उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा डरावना था। आम बिल्लियों की नस्बत बहुत बड़ा चेहरा होता था, लेकिन बिल्कुल वाइट बिल्ली होती थी कि उसके ऊपर कोई ब्लैक या कोई और कलर होता ही नहीं था। वो पूरे 40 डेज वो वहाँ पर आती रही और रात के टाइम वहाँ पर किसी के चलने फिरने का एहसास रहता था। ऐसा महसूस होता था कि सारी रात उनके कमरे के बाहर कोई खड़ा रहता है। फिर वहाँ पर कुरान पाक और लोहे की चीज़ें रखी, तो वो 40 डेज गुजरे। उसके बाद वो बच्चे के साथ बकायदा बच्चे को वो चीज़ नज़र आने लग गई। फिर हम लोगों ने एक पीर साहब को बुलाया। पीर साहब आए, उन्होंने पढ़ाई की, उस जगह को देखा। उनका ये कहना था इस जगह को छोड़ दें, यहाँ पर बहुत सख्त जिन्नात और बकायदा एक चुड़ैल का बसेरा है, यहाँ पर वो नुकसान पहुँचाएगी आपको। उसने इस बच्चे को देख लिया है, इस बच्चे को वो खेलने के लिए ले जाती है, ऐसा ना वो इस बच्चे को जानी नुकसान दे दे। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, उस हिस्से को खाली कर दिया। यहाँ तक कि हम लोगों के दिलों में इतना खौफ बैठा कि हम लोगों ने अपना घर ही बेच दिया। जिस घर में हम लोग पैदा हुए थे, जहाँ पर हम लोगों की पूरी ज़िंदगी गुजरी थी, हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया और हम लोग फिर हम लोगों के मामू का जो गांव था, हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अबू बकर आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर मेरा सेकंड हॉरर चैनल है, मेरा न्यू हॉरर चैनल है जिस पर मैं हॉरर नॉवेल्स शेयर करती हूँ। उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें। खंडर की आज 5th एपिसोड है, बहुत इंटरेस्टिंग और हॉरर नॉवल है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। नीला वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, हॉरर स्टोरी चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें। उर्दू कहानियाँ मेरी कज़न का चैनल है, उन पर अफसानवी नावल और हर तरह की जो कहानियाँ होती हैं वो आएंगी, उनको भी जाकर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, हम सबको याद रखिएगा। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। मुझे इजाज़त दें कल तक के लिए, कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।